खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकॉन और बने रहिए हमारे साथ। देश में हम जहां भी हम महाराष्ट्र हरियाणा में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, पूरा मोदीमय माहौल है। कमल कपूर का माहौल है, देवेंद्र साहब फडणवीस जी का माहौल है, हरियाणा की सरकार का माहौल है। कल मैं हरियाणा जा रहा हूं सुबह, तो पूरी हर जगह पूरा आप देख ही रहे हैं ये सैलाब जो आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति राष्ट्र हमारे कार्यों के हमारे कर्मों से मोदी जी की योजनाओं का जो लाभार्थी लोग हैं वो सब आ रहे हैं, जिनको उम्मीदें हैं कि और मिले, और उनको पता है मेरा देश अब सुरक्षित है, और उनको पता है कि मोदी जी या उनकी पार्टी या उनकी सरकार या उनके मुख्यमंत्री उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं है। ये उसी का फल है, तभी इतने सैलाब आता है। और ये आप 21 तारीख को देखिएगा, हम लोग करीबन 225 से लेकर 235-40 सीट तक हम लोग महाराष्ट्र में यूपी सरकार में जीतेंगे। राम मंदिर का मुद्दा रिजर्व रखा गया है, रवि किशन क्या कहते हैं, किस तरह का फैसला? देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं मेरे भगवान राम वहाँ जन्म लिए और उसके बारे में सारे तथ्य भी निकले हैं इतिहास में। मैं चाहूँगा कि 100 करोड़ की आस्था है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, मैं सम्मान करते हुए हमारे सारे 100 करोड़ हिंदुओं को उस दिन मोक्ष मिल जाएगा जिस दिन ये हो जाएगा कि भगवान राम का महा मंदिर। शिवसेना भी सहयोगी पार्टी है, बहुत बड़ा समर्थन इस बार उनका जो है, क्योंकि पिछले बार अलग अलग लड़ा था, इस बार क्या रहेगा, क्या समुदाय? इसीलिए हम कर रहे हैं, हम लोग ऐतिहासिक जीत, इतनी बड़ी की और सीट की गणना कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक इतिहास रचा जाएगा ये यूपी सरकार का। ये थैंक यू सर। पर भारतीयों का इस बीच आपने रवि किशन को उतारा है, क्या लगता है वोटों में तब्दीली होगी? मेरे गणपत पाटिल नगर के सभी कार्यकर्ताओं ने लगभग 5 साल में जो गणपत पाटिल के नगर के लोगों के लिए सुविधाओं के लिए मेरे गणपत पाटिल नगर का एक एक कार्यकर्ता हर दिन गणपत पाटिल नगर के लिए जुगट रहा था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी ने इस गणपत पाटिल नगर जी नगर को MC छेड़े में का, CP छेड़े में का, वेटलैंड का, हाईकोर्ट का सभी परमिशन लाके पानी लाइट बिजली दी है, और गणपत पाटिल नगर का सर्वे करने के लिए पैसे भी भर दिए हैं। इसीलिए गणपत पाटिल की जनता चाहती थी कि हमारे गांव का कोई तो भी नेता हमें संबोधित करने के लिए आए, ऐसे रवि किशन जी सांसद आज यहां आए हैं, और उस पूर्व गणपत पाटिल नगर के जनताओं ने आज सभा में जो उन्होंने हमें साथ दिए, यही मुझे लगता है 21 तारीख को कमल के बटन दबा के मुझे भरघोस जीत आपकी है। मैडम बात करें धंधे से, जिन अपने यहाँ पे रईसर विधानसभा की, इसमें एक बड़ा विषय गणपत पाटिल नगर का, जीत कहने के बाद गणपत पाटिल नगर के लोगों को क्या देना चाहेंगे? गणपत पाटिल नगर को मोदी जी का जो सपना है कि हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को घर देना, अभी मेरा हर गली में लादीकरण करना है, हर गली में जहां जगह उपलब्ध होगी वहां शौचालय बनाने का है, बायोमेट्रिक करके स्लम डिक्लेयर करना है, और महत्व का ये काम है कि आज भी गणपत पाटिल नगर के लोगों को पासपोर्ट नहीं मिलती है, तो पासपोर्ट मिलने के लिए मैं होम डिपार्टमेंट से हर गणपत पाटिल में रहने वाला आदमी क्रिमिनल नहीं है, गुंडा नहीं है, जो प्रामाणिक है, जो पढ़े लिखे हैं, उनको पुलिस ने उनका तपास करके उनको पासपोर्ट देना चाहिए, वो देने के लिए मैं जरूर कोशिश करूँगा। थैंक यू।